अगर पुलिस की बात करते हैं, पुलिस यहाँ पर है और सेवा सिंह बाली जो है निरंतर आगे बढ़ रहे हैं अपने काफिलों को लेकर। हमारी मांगे पूरी करो सिर्फ एक ही नारा है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है देखिए पुलिस ने जो है किस तरह से तो रोकने की कोशिश की और पुलिस जो है वो उन्हें आगे नहीं जाने दे रही है। सेवा सिंह बाली जी अपनी एसपीओ की जो मांग है वो कर रहे हैं ठीक। अगर हम डीआईजी की बात करें, उन्होंने भी ये कह दिया था कि ये टेम्पररी है और इनके लिए कोई पक्का करने का कोई प्रावधान नहीं है, तो वो साफ तौर पर पहले ही कह चुके हैं। और इनका अगर केस की बात करते हैं, सेवा सिंह बाली को जो है यहाँ पर उठा कर जो है अंदर किया जा रहा है। और ये वो तस्वीरें हैं जहाँ पर सेवा सिंह बाली को जो है पुलिस द्वारा जो है अंदर डाल दिया गया। आगे आने की सेवा सिंह बाली जी आगे जाने की जिस तरह से पूरी तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें आगे जाने दिया जाए, लेकिन यहाँ पर जो है सेवा सिंह बाली की अगर बात करते हैं, पुलिस कर्मी उनके साथ साथ ही चल रहे हैं। और देखिए पुलिस कर्मी खुद ही उनके काफिले को लेकर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें आगे आने की इजाजत नहीं है। डिस्टिंग्विश्ड एसपीओ की पॉलिसी फ्रेम करने के लिए, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने के लिए, और इसके साथ साथ इस तरह से एसपीओ की जो मांगे हैं उनको लेकर सेवा सिंह बाली जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो एक प्रोटेस्ट है बड़ा प्रोटेस्ट जो है उनके द्वारा किया जा रहा है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर से जो है वो गुहार लगा रहे हैं। अभी इन्हें जो है मेन रोड पर, जिस तरह से अगर बात करते हैं तो उन्हें जो है वो मेन रोड पर जाना है। तो ये तस्वीरें सेवा सिंह बाली जी की प्रोटेस्ट की। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि डिसएंगेज एसपीओज हो, एसपीओज हो, इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे की गुहार लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और एसपीओज ये वो एसपीओज हैं जो खुद बाहर आके जो है अपने लिए प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। और जिस ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि सेवा सिंह बाली जो है वो ये तस्वीरों में भी प्रदर्शन जो है सेवा सिंह बाली ने शुरू ही किया था, तो उन्हें उठा के जो है वो गाड़ी में भरते हुए जो है यहाँ से पुलिस जो है वो लेके जा चुकी है। और ये तस्वीरें हैं उस हुजूम की जो एकत्रित हुए थे सेवा सिंह बाली जी के साथ में, ये आवाज जो है अपनी बुलंद करने के लिए एसपीओज की। लेकिन यहाँ पर जो है सेवा सिंह बाली जी को जो है पुलिस की तरफ से जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें जो है वो लेके जा चुके हैं। और अभी भी इसी तरह का हुजूम जो है इसी रोड पर है और रोड से नीचे जाने के लिए जो है इन्हें कहा जा रहा है। और तस्वीरें देखिए, हमारा परमानेंट ऑर्डर होने का, कंधे में स्टार होते हैं, लगे आज हमारे कंधे में स्टार लगे होते हैं, लेकिन हमारे साथ बेईमानी की है। हमें क्या पता किसने की है, लेकिन हमारे कंधे में स्टार लगे होते हैं। आज तक हमने इनकाउंटर किया 15 इनकाउंटर किए मैंने, मेरा नाम है मुकेश शर्मा, मैंने 15 इनकाउंटर किए पाकिस्तानियों के। आपकी आवाज हमारे से सेवा सिंह बाली उन्हें जो उठा लिया गया, मनी मांगे पूरी करो, बस पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, चलेगी सेवा सिंह बाली जी को आज उठा लिया गया। क्या कहते हैं कि हम देश के सभा सलार क्या है, क्या है, तब हम देश के लिए लड़े थे, हम देश हमारे लिए लड़े। अगर हम टम्परेली हैं, हम टम्परेली थे, हमने 15-20 साल कर लिया, कोई बात नहीं, उन्होंने उठा कर लिया। शेर जब पकड़ते हैं शेर जब पकड़ते रहते हैं, और शेर कभी हटता नहीं है, और हमारा शेर जंगल में हम कोशिश करते रहेंगे, हम हटने वाले नहीं है, हमें कुर्बानियां देंगे। और कहना चाहेंगे आपके जो लीड कर रहे थे आपके प्रोटेस्ट को सेवा सिंह बाली, उनको उठा लिया गया है यहाँ पर, आप अभी गवर्नर हाउस आने वाले। कोई बात नहीं, गवर्नर शेरों को उठाते रहते हैं, जब शेर बाहर निकलता है ना, शेर को पकड़ते रहते हैं, उसकी सेहत पर कोई असर नहीं जाएगा। सब शेर काफी समय से बाहर निकल रहे हैं, क्यों सरकार के कान पे जूं क्यों नहीं रही? ये तानाशाही, ये चोर बजारी, ये लोभी है, ये कभी नहीं झुकेंगे, ये आगे नहीं बढ़ने देंगे, इनके तानाशाही नहीं चलने देंगे। अगर हम बात करते हैं, डीआईजी ने ये साफ तौर पर बोल दिया है कि ये टेम्पररी प्रावधान, इनको परमानेंट करने का कोई प्रावधान नहीं। ये लगाया क्यों था इन्होंने हमारे कंधे पर बंदूकें रखकर चलाई हुई है, उस वक्त इनकी एसआई एसएचओ, उस वक्त
रूमों के अंदर बैठे होते हम एसपीओ का पहले टारगेट करा के हमारी बंदूकों के ऊपर राखे चलाई हुई है इन्होंने। आज बोल रहे हैं ना ये टपरेली है, आज बोल रहे टपरेली है। जब मिलिटेंसी थी तब एसपीओ आगे होता था, चाहे वो फोर मैडम भी होती थी, मिलिटेंसी थी जो हमारे कांधे पे लगाए हैं वो किसी की वजह नहीं, हमारी वजह है वो जो स्टार आप सुनो अभी लगाए ना वो हमारे कांधे से लगे हैं। आपके कांधे से कैसे लगे? काम हमने किया, हमने मिलिटेंसी के अंदर बहुत बड़े बड़े काम किए सर। वो कहते हैं ना कि फौज लाठी फौज है मगर नाम सरदार का होता है, वो साहब होता है अफसर। जब हमारे से किसी ने इंसाफ नहीं किया सर, काम अफसर जितने भी काम किए हमने किए। डिसंगेज मुझे इसलिए किया कि मैं ड्यूटी पे था, बीमार हो गए, माता बीमार हो गए, माता 10 दिन के लिए घर गया, 1-2 दिन के लिए घर गया, एबसेंट लगा दी, सर जी हुक्म आ जाए पूरी करो, पूरी करो। आपकी क्या मांग? एसपीओ जी हमें निकाल दिया है, निकाला था, गरीबी है, 13 साल के बाद हमें निकाल दिया, हमें गरीबी है, हम क्या करेंगे, हम बेरोजगार गुजार हैं, हम कहां से अपना पेट करेंगे पूरा, हमारे बच्चे छोटे छोटे, गरीबी है, मिस्कीनी, हम कहां जाएंगे, हमारी मांगे पूरी करो, किसको निकालेंगे? साफ तौर पर आपने देखा कि डिसंगेज एसपीओ यहां पर आए थे और सेवा सिंह बाली जो है वो एसपीओ के हक की मांग को जो है वो बुलंद कर रहे हैं। आपने ये तस्वीरें देखी, इन तस्वीरों के बाद जिस तरह से हम कहें ये एसपीओ जो है वो काफी लंबे समय से जो है संघर्ष कर रहे हैं और एक वाहिद सेवा सिंह बाली ही ऐसे शख्स है जिन्होंने एसपीओ की सैलरी को जो है इंक्रीज करवाया है और वो चाहते हैं कि इस एसपीओ की सैलरी को जो है और इंक्रीज करवाया जाए। वहीं पर जो ये केस है, अभी ये केस जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में चल रहा है, इस पर सुनवाई पर सुनवाई हो रही है। ऑफ्टरऑल अगर किसी केस में सुनवाई होती है उसका कुछ निकल कर जिस तरह से अगर हम कहें मेन सोल्यूशन भी जो है वो बाहर आएगा, अभी जो है एसपीओ और डिसंगेज एसपीओ को इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि उनका केस जो है वो अभी हाईकोर्ट में जो है वो चल रहा है। देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है, लेकिन अभी जो है फिलहाल तारीख पे तारीख ही दी जा रही है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशा खान का तलाब।